हाँ तो भाइयों और बहनों, ख़त्म हुआ एक वाहियात दिन, जो कि और भी ज़्यादा वाहियात हो सकता था, लेकिन थैंक्स टू साइम अयूब एंड सऊद शकील दिन की बचत हो गई। नहीं तो मुझे तो एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि बंगाली शायद हमारे सर पे चढ़ के नाचने लग जाएं। मतलब ये सीरीज़ जो है ना ऐसी हुई हुई है, इस सीरीज़ के मैं बताता हूँ यहाँ पे स्टेक्स क्या लगे हुए। ये सीरीज़ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हो गई है, ये एशेज हो गई है, ये हमारी अपनी एशेज है। ईस्ट पाकिस्तान वर्सेज वेस्ट पाकिस्तान, ये सब कॉन्टिनेंट की जंग चल रही है यहाँ पे, बहुत खतरनाक। क्योंकि बंगाली चूंकि उन्होंने शेख हसीना को निकाला, वो हवाओं में उड़ रहे हैं, फुदक फुदक के कैचेस पकड़ रहे हैं, आप देखो जरा जाके, ठीक है, वहाँ वो जमीन पे नहीं आ रहे। वो बाबर आजम का कैच देखें आप, कैसा मिला के वो पीछे जो कैच हो रहा है, अब्दुल्ला शफीक का स्लिप पे आप कैच देंगे। सबसे पहले तो हम आते हैं वेट आउटफील्ड पे। मुझे नहीं पता ऐसी क्या बारिश पड़ गई पिंडी में, ऐसी क्या हो गया भाई, इतना गीला कौन होता है, मतलब इतना भी क्या वेट हो गया भाई कि तुमसे सुखाया नहीं जा रहा। वेट आउटफील्ड 2:30 बजे तुमने मैच किया, मतलब 10 बजे का मैच शुरू, 2:30 बजे तुम मैच शुरू कर रहे हो, मजाक लगा रखा। हम वेट करते मैच शुरू होगा, खैर नहीं हुआ, अल्लाह अल्लाह करके मैच शुरू हुआ। सामने से अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब, शुरू के 2 ओवर देख के ना मेरा दिल बैठ गया। मैंने कहा कि ये मॉडर्न डे क्रिकेट मांगी थी, ठीक है, फट्टा विकेट हटके अब आपने जरा विकेट में थोड़े चेंजेस आए। मैंने फिर बोला ये उस्ताद जी तुमने क्या कर दिया, ये मेरे दिल से अल्लाह की कसम बिल्कुल सरदार खान वाली चीज नहीं ली, क्या बवासीर बना दिया है। अभी एक पढ़ के इधर जा रही है, एक पढ़ के उधर जा रही है। मतलब देखिए मैं बात करना चाहता हूँ शान मसूद से। सर हमने आपसे कहा था कि हमें मॉडर्न डे क्रिकेट देखनी है, और एक्चुअली मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं, हमें चाहिए था कि हम जीतें, मतलब हम डोमिनेट करें। आपने पिच ऐसी बनवा दी, हमारा काम उतरते उतरते बच गया। सर क्या कर रहे हैं आप, अब्दुल्ला शफीक का कैच देखो जाके, अगेन बहुत प्यारी बॉल कर रहे थे अब्दुल्ला शफीक को, बहुत शुरू में साइम अब्दुल्ला दोनों को बकरी किया हुआ था, खतरनाक वाला, ठीक है। वो हसन महमूद ने जो विकेट लिया अब्दुल्ला शफीक की, अब जाके देखो लवली उसमें जो कैच पकड़े उन्हें, ऐसा लग रहा है जूतों में स्प्रिंग लगे हैं। अब्दुल्ला भाई को आउट करके ले गया वो, मेरा दिल बैठ गया था। मैंने कहा चलो कोई नहीं, शान मसूद खेलेगा, शान मसूद ना, वैसे मुझे लगा था साइम लुढ़केगा, क्योंकि नो लुक के चक्कर में साइम लुढ़कते हैं। शान भाई आए, फिर शान भाई का जिस तरह से कॉट बिहाइंड दिया गया, शान भाई का वो पैड पे लगी थी, एम्पायर को ज्यादा जल्दी थी, शान भाई खुद परेशान, हैरान परेशान, जेसन जिलेस्पी पे वो चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं भाई आउट है, देख इतना गलत आउट दिया वो कह रहे ठीक है बच्चे हल्का हो जाए। मतलब ये गलत बात है ना, कराची को दीवार से लगाया जा रहा है, कराची एजेंडे चल रहे हैं यहाँ पे, कि शान मसूद क्योंकि कराची के हैं तो लेग तो थर्ड अंपायर ने शान मसूद का गलत आउट दिया, ये गलत आउट है, ये आउट होता नहीं है, लेकिन अब तो दे दिया। एक्चुअली इसमें हुआ पता क्या था, जो थर्ड अंपायर है ना वो बाबर आजम का फैन था, वो एक्चुअली बाबर आजम को देखना चाहता था, तो उसने कहा शान मसूद को हटाओ, ये बाबर आजम जब तक शान मसूद है बाबर आजम बैटिंग पे नहीं आ पाएगा, तो उसको जल्दी से निकालो, हम बाबर आजम को देखेंगे। और मैं भी काफ़ी वेट कर रहा था कि बाबर आजम को यार बस अब आना चाहिए, मतलब काफ़ी अरसा हो गया ना क्रिकेट हम लोग तो, और बाबर आजम तो ODI और टेस्ट के VIP प्लेयर है, मतलब ऐसा थोड़ी वहाँ पे अच्छा स्कोर करते हैं बाबर आजम, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बाबर आजम आए और चले गए, मतलब वही था कि शुरू होते ही ख़त्म हो गया। ये एक धचका सा लगा मुझे और बाबर आजम के फैंस को। मैं जेनुअनली बड़ा आज मैं वैसे तो हम बाबर आजम को बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं, मैं बड़ा चाह रहा था कि यार आज आए किंग बॉबी रन्स करें, बॉबी मतलब ज़रा जो भी है, जो भी 1.5-2 साल का रफ पैच है वो बाबर आजम ज़रा अपना ख़त्म करें और ज़रा आगे आए, बस बहुत हो गया। मतलब एक होता है वर्ल्ड कप निकल गया, T20 वर्ल्ड कप निकल गया, एशिया कप निकल गया, नहीं हुए रन्स, लेकिन एक मौका था ये बांग्लादेश की सीरीज़ यहाँ पर रन्स करने का, और बाबर आजम दूसरी या तीसरी बॉल पर लुढ़क के चले गए। मतलब हालत ऐसी हो गई थी, मैं जब बाबर आजम आउट हुआ मैंने कहा दादा लग गए काम उतर गए, क्योंकि देखो 3 पर 1, 14 पे 2, 16 पे 3 दिमाग शार्ट हो जाए ना बंदे का, जिसमें आपका अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद, बाबर आजम तीनों चलेगा। शान मसूद दिन अच्छे टच में लग रहा था, वही बात है कि क्या पिच बना दी आपने। लेकिन अगेन हेड्स ऑफ टू साइम अयूब एंड सऊद शकील, जिस तरह से दोनों खेले, सऊद शकील तो काफी टाइम तक जो है 90+ के स्ट्राइक रेट से खेले थे, जब साइम अयूब साथ खड़ा था। बाबर आजम के आउट होने के बाद ही मेरे ख्याल से सऊद शकील और साइम अयूब ने कहा कि अब दादा तेज खेलते हैं, मतलब वैसा भी क्या, ठीक है भाई। साइम अयूब की 50 है, 56 रन के हैं, साइम अयूब ने मेड इन 50 मारी है। सऊद शकील जो है पाकिस्तान के वो बन गए हैं फास्टेस्ट 1000 रन गेटर इन टेस्ट मैचेस फॉर पाकिस्तान, सऊद शकील नंबर 1 पे आ गए। सऊद शकील ने काम कर दिया, दोनों ने 50 लगाई हैं, एक अच्छा स्कोरबोर्ड आ गया। साइम अयूब अनलकी रहा, आखिर में आउट हो गया बेचारा, वो भी स्लिप पे आउट हो गया। लेकिन अगेन रिजवान इज लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, 24 रन करके बैठा हुआ है रिजवान, अगेन 31-32 बॉलों के ऊपर। तो रिजवान की तरफ से मुझे बड़ी उम्मीद है शाकिब अल हसन को, तो उसने स्वीप के चौवे कराया ना, मैंने कहा ये स्टार्ट हो गया। रिजवान आए, रिजवान ने लेग पे दिया, मैंने कहा दादा ये स्टार्ट हो गया। लोग बड़ा बोल रहे थे कि ये मगरिब की अजान होने वाली है, उसको नमाज याद आ जाएगी, रिजवान लुढ़कने वाले हैं। मैं कह रहा था कि नहीं उस्ताद, अब ये आया है तो टेस्ट मैच बचा है। 158 रन है, 158 पर 4 है, ठीक है। साइम अयूब की विकेट गिरी है, साथ में सऊद शकील खड़े हैं रिजवान के साथ। मैंने कहा जानी थोड़ा जरा हौले आओ, मतलब ठीक है पिच मुश्किल है, पिच मुश्किल बना दी, और ये अच्छा पिच मुश्किल बना दिया, मतलब पिंडी की फट्टा विकेटों पे 400-500 रन पड़ते थे, अब थोड़ा कंपटीशन देखने को मिलेगा। लेकिन अब मुझे डर ये लग रहा है कि ये गेम अपनी तरफ ना घूम जाए,
क्योंकि पिच पे कहीं कहीं बॉल पड़ के बैठ रही है, कहीं बैठ रही है, कहीं पड़ के लेफ्ट राइट हो रही है। चलो अभी तो पहला दिन था, पहला भी दिन आधा दिन खेले, ये तीसरे चौथे दिन क्या करेगी पिच, मुझे तो उसकी टेंशन हो रही है। सेकंड इनिंग्स में हमारा क्या हाल होने वाला है, ठीक है। और इस पिच के ऊपर हमने स्पिनर एक, मतलब वो भी पार्ट टाइम स्पिनर ही, अब आगा सलमान खिलाया हमने, अगर एक प्रॉपर स्पिनर होता तो फिर थोड़ी बात भी होती है। मुझे तो लग रहा थोड़ा डर सा, मैंने कहा दादा ये उस्ताद ये कोई गेम में लिपट ना जाए, लेकिन अभी सऊद शकील और रिजवान खड़े हैं विकेट के ऊपर। सऊद शकील 57 रन्स किए हैं, रिजवान के 24 रन हैं। मेरा दिल कहता है रिजवान 50 मारे, मैं चाहता हूँ रिजवान थोड़े रन्स करें यहाँ से भाई, 200-250-300 रन्स कर लो, ताकि बंगालियों से, तो मैं बता रहा हूँ, अगर मैं शान मसूद से कहना चाहता हूँ, मैंने कहा उस्ताद मैं आपको बता रहा हूँ दोस्त, अगर ये मैच बढ़ गया ना बंगाली सर पे चढ़ के नाचेंगे। वो वैसी शेख हसीना को कह रहे हैं हमने उसको कॉन्कर कर लिया, वो फिर बोलेंगे हमने पाकिस्तान को भी कॉन्कर कर लिया। इज्जत दाव पे, इज्जत दाव पे है काम। और ये बाबर आजम को जो जो ट्रोल कर रहे हैं ना, मैं बताना चाहता हूँ, देखो बस करो, नहीं करो, नहीं करो, मतलब ठीक है हो गया, नहीं लग रहे रन, नहीं लग रहे, क्या करें अब वो बॉल को कैच तो देखो कैसे वीआईपी पकड़े छलांगे मार मार के, उनके वो बंगाली अलग से पागल हुए हैं, एक तो इतने नाटे हैं, 5-5, 5.5-5 फुट के तो वो होते हैं, उसके ऊपर तो छलांगे मार मार के। अब्दुल्ला शफीक का कैच देखो, बाबर आजम का कैच देखो कैसे पकड़ा है, साइमा यूब का भी थोड़ा बहुत मैं कहता हूँ अच्छा कैच था स्लिप के ऊपर, क्योंकि हमारी तरफ तो स्लिप के कैचेस छूटते हैं, हमारे तो स्लिप के ये वाले कैचेस छूटते हैं, वो तो छलांगे मार मार के ऐसे ऐसे पकड़ रहे हैं, यूं स्पाइडरमैन बने हुए, तो वो तो पागल हुए हैं। तो अगेन बाबर आजम को ज्यादा ट्रोल ना किया जाए, मैं तो शान मसूद के लिए काफी, मैं आई फील फॉर हिम, लड़के के साथ ज्यादती हुई है, कराची का लड़का कराची को दीवार से लगाया कि अंपायर बाबर आजम फैन था, अंपायर ने गलत आउट दिया शान मसूद का, प्रोटेस्ट होना चाहिए। मैं आईसीसी के लिए प्रोटेस्ट डालना चाहता हूँ पीसीबी के अंदर, कि पीसीबी में प्रोटेस्ट डालना चाहता हूँ कि ये शान मसूद का ब्रो है, कराची को दीवार से लगाया गया, ये नस्ल परस्ती की गई है, तासुब परस्ती हुई है, बस ठीक है। बाकी ये 158 पे 4 है, अगर हम इसको 350 रन कर लेते हैं और बांग्लादेश को हम 100 पे आउट कर देते हैं, और फिर बांग्लादेश को कहते हैं चलो फॉलो ऑन खेलो, और फिर बांग्लादेश को 50 पे आउट करते हैं, तो मैच अपना है, जीत गए। मैंने आपको गेम प्लान दे दिया, किताब रख दिया, पढ़ लो, जीतने की ट्रिक मैंने आपको बता दी, अब आप पढ़ लो। 100 पे बांग्लादेश को आउट करो, खुद 350 करो, 100 पे बांग्लादेश को आउट करो, फिर सेकंड इनिंग में फॉलो ऑन देके 50 पे पैक कर दो, खत्म हो गया मैच। जाओ शान मसूद को मैंने शान बॉल का आइडिया दे दिया, मैंने कहा उस्ताद ये लो तुम, ठीक है। बाकी पिच विच तो छोड़ दो भाई, पिच इन्होंने बड़ी खतरनाक सी बना दी है, ठीक है, हरी पिच दिखा के जो है ना इन्होंने अजीब सी पिच बना दिया, कुछ खतरनाक सी चीज़ ना, ये बांग्लादेशी कहीं मुंह को ना आ जाए, तो अभी अभी ये टेंशन वाली बात है। अब कल का दिन जो पहला सेशन होगा और दूसरा सेशन होगा ना, बस इसका गेम है, इसमें पता चल जाएगा कि उस्ताद गेम के, क्योंकि कल पूरा दिन नहीं खेल पाएंगे हम, कल हमारी धनाधन विकटें गिरेंगे। अब आप देखना सऊद शकील और रिजवान खेल गए तो खेल गए, नहीं तो हमारा काम बड़ा खतरनाक होने वाला है। तो अब आप देखो 158 है, कंफर्टेबल पोजीशन है, अगर हम 300-350 रन खींच जाते हैं, हो सकता है 400 खींच जाए, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। सऊद शकील और रिजवान दोनों बोले हम तो यहाँ खड़े हैं, रिजवान अपने लेग के चमाटे मारता रहे, शाकिब अल हसन को उसने 2 दिए थे चमाटे मिला मिला के, मुझे बड़ा मजा आया था, मैंने कहा शाकिब अल हसन का सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है, ये बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। तो अब कल की कल देखते हैं कल क्या होता है। आज ये है कि आज की हाईलाइट है कि साइम अयूब और सऊद शकील दोनों ने मिलकर पाकिस्तान को रेस्क्यू किया, और थोड़ा सा रिजवान ने नीचे से आके जो सपोर्ट दिया ना सऊद शकील को साइम के आउट होने के बाद, वो मुझे लग रहा है कि ये तीन बंदे आपको टेस्ट मैच निकाल के दे सकते हैं।